कक्षा 5 के बच्चों सुप्रभात। मैं हिंदी में आज पढ़ाऊंगी। आगे चैप्टर सागर तट के पेड़ तक मैं पढ़ा चुकी थी, लेकिन दो चैप्टर बीच में रह गया था। समय मूल्यवान है, आज पढ़ा दूंगी। मैं मुंबई हूँ, किसी और रोज पढ़ा दूंगी। आज देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये एक कविता है समय के मूल्य के बारे में। आप ये भी जानते होंगे, वक्त बहुत मूल्यवान है, जो वक्त चला जाता है वो नहीं आता है। इसी कविता का मूल भाव है, इस कविता का यही मूल भाव है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो जाता है एक घड़ी के लिए जन भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ इस कभी मत खोना। इस कविता का समय के महत्व को बता, इस कविता का भाव समय के महत्व को बताती है। एक बार जो समय चला जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता है। धन स्वास्थ्य विद्या खोने पर दोबारा आ सकते हैं, परंतु समय कभी वापस नहीं आता। समय पर काम करने वाले व्यक्ति बाद में समय पर का महत्व, समय का सम्मान जो व्यक्ति नहीं करता है, बाद में वो पछताता रहता है। देखिए इस कविता में ये पंक्ति है, कर मलमल पछताता। कर का मतलब होता है हाथ, हथेली मल करके वो पछताता है। गांधी जी अपनी कमर में हर समय घड़ी लटकाए रहते थे, उनका कहना था, क्योंकि उन्हें एक क्षण की भी बर्बादी अच्छी नहीं लगती थी। उनका कहना था समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस पंक्ति का, चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदैव समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता, समय को खोने वाला हमेशा बाद में पछताता है। जिसने समय का महत्व नहीं समझा, बहुत कोशिश करने पर भी समय उसके हाथ नहीं आता। जो समय चला जाता है फिर वह पकड़ में नहीं आता। कभी कभी एक पल में के व्यर्थ बीत जाने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। समय बहुत ही कीमती है, इसे कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। धन चला जाता है लेकिन मेहनत करने से फिर वापस आ जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हम डॉक्टर से चिकित्सक से उपचार कराते हैं, दवाइयां लेते, वो ठीक हो जाते। लेकिन जो वक्त बीत जाता है, जो समय हमारे हाथ से निकल जाता है, वह कभी नहीं दोबारा आता है। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से आ जाती। अगर हम पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन अगर हम चाहें तो फिर से विद्या प्राप्त करते हैं। अपने मेहनत से, लगन से, परिश्रम करके, पढ़ाई करके फिर से हम विद्या पा सकते हैं। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती, लेकिन समय खोने से फिर नहीं आती है। आज का डेट जो है, अगर फिर जीवन में दोबारा, हमारे जीवन में दोबारा वो समय कभी नहीं आएगा। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना काना कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी न खोना। जीवन भर भटकना पड़ता है, जो समय को बर्बाद करते हैं, कोना कोना हम छान मारते हैं, लेकिन बीता हुआ मूल्यवान समय, मेरा कीमती समय वापस नहीं आता है। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो यही पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी न खोना। गांधी जी के कमर में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी, उन्हें एक पल की बर्बादी समय की बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बच्चों तुम भी गांधी जी की के समान प्रत्येक क्षण का लाभ उठाओ, ऐसा नियम बनाओ कि समय बर्बाद ना हो सके, एक क्षण भी पल भी बर्बाद ना। यदि तुम कभी समय बर्बाद न करने का निश्चय कर लो तो भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा, और तुम एक एक कदम आगे बढ़ते चलोगे, पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए समय का महत्व समझो, इसे कभी बर्बाद मत करो। इस कविता के माध्यम से तुमने समय की कीमत को समझा है, और इस कविता को आप लोग याद कीजिएगा और इस समय के महत्व को समझिएगा जरूर। अपना व्यर्थ समय घर पे, स्कूल बंद है, व्यर्थ समय घर पे नहीं बिताना है, और कुछ ना कुछ अपने किताब कॉपियों के साथ करते रहना है। शब्दार्थ याद करना है, बहुत सारा काम है आपको, सारा काम करना है,
समय को व्यर्थ नहीं गमाइएगा बच्चों।